अस्सलामुअलैकुम, मैं स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी नई लेते हैं या गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको आमतौर पर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स के ऑफिस जाना पड़ता है, वहां विज़िट करना पड़ता है, उनके लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन अब एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन तरीक़ेकार लॉन्च कर दिया है। आप घर बैठे उनकी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वालों की सर्विसेज कैसे अवेल कर सकेंगे, किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स वगैरह जमा करा सकेंगे, ये तमाम की तमाम डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान के पैनल से लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही घंटी के बटन बनाओ, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, नादरा ने एक सर्विस मुतारफ़ करवाई है नादरा डोर स्टेप सर्विस के नाम से, जो कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए है। फ़िलहाल ये सर्विस इस्लामाबाद के लिए है। इस्लामाबाद में अगर कोई भी बंदा टैक्सेशन डिपार्टमेंट से सर्विसेज लेना चाह रहा है तो वो ये सर्विसेज अवेल कर सकता है। इन सर्विसेज में क्या आपको बेनिफिट होगा, किस क्या तरीक़ार होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नादरा स्टॉप की जो है, ये याद रखें कि जो भी गवर्नमेंट की जो फ़ी है गाड़ी को रजिस्टर ट्रांसफ़र या बाकी सर्विसेज के लिए, उन सर्विसेज के अलावा 995 एक्स्ट्रा फ़ी ली जाएगी, जो कि नादरा की डोर स्टेप सर्विस की है। आपको किसी भी किस्म की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ये सर्विस अवेल करें और जस्ट 995 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करके अपनी लाइन से बच सकते हैं जो एक्साइज ऑफिस के बाहर लगती है। ये सर्विस आप ऑन कॉल ले सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मोबाइल ऐप पे कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बुकिंग करने के लिए आपने ये 051-111-111-377 जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करेंगे। टाइमिंग क्या है, सुबह 9 से लेके शाम 3 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जिस वक्त आप कॉल करेंगे तो जो एक्साइज़ और नादरा का अमला है वो अपने बायोमेट्रिक डिवाइसेस के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, जिस जगह पर आप बुलाएंगे आपके घर पर वो तशरीफ़ ले आएंगे और वहाँ पर आके आपकी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन करने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपका फॉर्म फिल करेंगे। उसी जगह पर नादरा का होगा, बायोमेट्रिक होगा सिस्टम, वहीं पर आप फ़ी पे करेंगे, वहीं पे सारा प्रोसेस। आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तब भी उनको पे करने के बाद बता देंगे कि ये मैंने पे कर दी है, और वहीं पर सारी आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हैंड ओवर किए जाएंगे और बाद में आप ऑफिस से उनका कार्ड रिसीव कर सकेंगे। इसके अलावा तो कुछ इंफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप ये सर्विसेज नहीं लेते तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सिटी ऐप लिखेंगे, ये सिटी ऐप की जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर भी वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देंगी टोकन टैक्स के हवाले से, और बाकी इंफॉर्मेशन जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर भी इस सर्विसेज के थ्रू भी मिल सकती हैं। प्लस इसके अलावा एक्साइज़ का जो फेसबुक का पेज है इसके ऊपर उन्होंने सर्विसेज शुरू की हुई हैं कि डेली जो है 2 घंटे के लिए मुख्तलिफ, जैसे कि 10 फरवरी को ये एक्साइज का डिपार्टमेंट शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद होगा 3 से लेके 5 बजे तक। ओके, यहाँ देखेंगे तो 3 से 5 तक ये ट्रेड 3 पर मौजूद है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जैस्मीन रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन मौजूद है। मतलब ये रोज़ाना डेली फेसबुक के ऊपर अपनी अपडेट करते हैं, आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम हो कि जिस जगह पर ये मौजूद होगा इनका अमला, उस जगह पर ये आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्स एक्साइज इस्लामाबाद एक्साइज .gov.pk की इनकी वेबसाइट है उसको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के हैं उसमें 9 के करीब मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिसमें पंजाब का है, इस्लामाबाद का टोकन टैक्स के हवाले से है, सिंध की टोकन टैक्स के हवाले से है, व्हीकल को रजिस्टर कैसे करवाएंगे, आप पे ऑनलाइन टोकन टैक्स इस्लामाबाद में, सिंध में, पंजाब में वो कैसे करेंगे, व्हीकल को कैसे चेक करेंगे, ये सारी की सारी वीडियोज़ मेरी इस प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान।
इसी तरीके से मोबाइल ऐप डॉट पी के जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप ये इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऐप्स के इस प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो तरीक़ेकार है ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवाने का, ये भी आपको तरीक़ेकार मिल जाएगा। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।